गाइस, वेलकम टू द चैनल और स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी तो मैं नहा वहा के रेडी हो गया था, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ। अभी मेरी फर्स्ट मील है और ये हमारा बल्किंग आर्क शुरू हो चुका है। मतलब पहले वाला मिनी बल्क था, 14 दिन के लिए था सिर्फ। अब जो असली बल्क है वो चालू हो चुका है, और मतलब कल ही चालू हो गया था। कल मंडे था, मैंने बैक ट्रेन किया और मेरा वर्कआउट प्लान भी कुछ चेंज हो गया पूरा, वो मैं आपको फर्दर अभी इस वीडियो में बताऊँगा। और आज वैसे भी ट्यूसडे है और आज चेस्ट डे है, तो अभी तो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। लेट्स ईट। यस, काफ़ी लोगों को मतलब कैलोरीज ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसका एक मतलब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दे रहा हूँ कि जिस तरह से मैं ट्रैक करता हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी मील लेते हो तो उसको पहले मेजर करो, और एक वेइंग स्केल में, किचन वेइंग स्केल में ज़रूर इन्वेस्ट करो अगर आप बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो अपने फिटनेस जर्नी को लेके। जितना आप खा रहे हो उतना मेजर करो, क्योंकि कुछ जो फिटनेस ऐप्स होते हैं ना उसमें जो आप खाते हो, जैसे वन रोटी, अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो आपके घर में कितने ग्राम की रोटी बनती है वो ऐप के हिसाब से नहीं रहता कभी कभी, वो एक एवरेज हिसाब से रहता है, तो उसमें करेक्ट कैलोरीज नहीं एंटर होती है। तो आप सब चीज़ों का मेजर लो, फिर उसको ऐप खोलो। ऐप में हमेशा जब भी आप कुछ रजिस्टर करते हो उसमें, तो जैसे आपने खाया एक रोटी, अब रोटी खाया उसको मेजर किया कितने ग्राम्स की है, सपोज 50 ग्राम्स की एक रोटी है, तो आप उसमें गए, आपने सर्च किया रोटी और उसमें ग्राम्स का ऑप्शन होता है हेल्दी फाइमी में। मैं हेल्दी फाइमी यूज़ करता हूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई। तो उसमें अपना ग्राम्स एंटर कर दो 50 ग्राम्स, तो उसमें पूरा एग्जैक्ट कार्ब्स, प्रोटीन, जो भी आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके अंदर गए हैं एक रोटी खा के जो आपके घर में बनी है, उतनी पूरी कैलोरीज आ जाती है। तो ये बहुत ही मतलब एक सही तरीका होता है अपनी कैलोरी ट्रैक करने का, कि आप कितना खा रहे हो, कितना दिन में कितना आपको बर्न करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कट पे हो तो बहुत हेल्प करता है ये। मेरी कैलोरीज कुछ चली जाती है 2700 के अराउंड, कुछ कैलोरीज चली जाती है, और मेरे इस कैलोरीज में प्रोटीन आ जाता है 155 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। हाँ, कार्ब्स थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग का फेज़ है, तो और वैसे भी नवरात्र चल रहा है, तो प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज से लेने के लिए कार्ब्स तो ऑब्वियसली बात ऊपर ही आएगा, क्योंकि मैं वे दो बार नहीं एफर्ट कर सकता इतना एक दिन में, तो इसलिए कार्ब्स अभी हाई है और वो अपने लिए सही भी है। अब नवरात्र ख़त्म होगा तो उसके बाद से फिर कार्ब्स लो, प्रोटीन अप। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी बायो की क्लास चल रही थी, बॉटनी की, अभी ख़त्म हुई है, एज यू कैन सी अभी मैं पढ़ ही रहा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा था भाई, क्लास में ख़त्म हो गया, हमको पता भी नहीं चला। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 2 बजे एक अपनी मास गेनर का प्रो शेक बनाता हूँ मैं, तो वो बनाऊँगा, फिर उसके बाद एक प्री वर्कआउट मील लेंगे, फिर जिम मील लेंगे, वो शेक बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसकी कैलरीज कितनी है, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब नहीं कैलरीज तो मैं लास्ट में, हाँ एंड ऑफ द डे आपको दिखा दूँगा कितनी कैलरीज है, बार बार दिखाने से अच्छा एंड ऑफ द डे दिखा दो, तो वीडियो में बढ़े रहना, आखिरी में देख लेना कितनी कैलरीज है उसमें। मिलते हैं फिर सीधा जिम में, आज है चेस्ट का वर्कआउट। बाय बाय। जस्ट 6 PM और मौसम देख लो भाई, इतना डार्क हो रखा है। वेट, चाबी भूल गया, शिट। एंड एक्चुअली आज ज़्यादा ठंड भी लग रही है, क्यों मौसम ठंडा है भाई, इतने वक्त सही में भाई लगा कि ठंड आ चुकी है, हल्का सा वो ठंडा मौसम महसूस हुआ मेरे को। मिलते हैं इंग्लैंड चेस्ट में सीधे। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latchet. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaxing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine.
तो वी आर बैक फ्रॉम द जिम और नहा वहा के पोजिंग वोजिंग करके एकदम आराम से बैठेंगे, क्योंकि भाई जो आज का चेस्ट का वर्कआउट था ना भाई, मतलब अखिलेश भी एक साथ मैंने किया और भाई इतना मतलब ओल्ड स्कूल वाइब्स, एकदम ओल्ड स्कूल वाइब्स भाई। कोई हैवी वेट नहीं, कुछ नहीं, टिल फेलियर 40 रैप 50 रैप पूरी मसल फट गई भाई चेस्ट की। इतना मज़ा आया ना, इतना फेलियर तक पूरा टच किया ना, मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किया ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ऐसे होती है, और वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे अपने जिम के भाई। मज़ा आ गया स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए भाई, बहुत तगड़ा ये रूटीन है भाई, मतलब यही उन्हीं के साथ सोच रहा हूँ फॉलो करता रहूँ और ऐसे ही चेस्ट फोड़ता रहूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आया। पहली बार चेस्ट में इतना अच्छा पंप आया, बैक में तो आ ही जाता है लेकिन चेस्ट में इतना अच्छा पंप आया। अब अगर तुम लोग में से किसी को भी कैलरी को ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ करते कैसे। उनसे कोई भी फिटनेस ऐप डाउनलोड कर लो, हेल्थी फिटनेस पैल हो, मैं तो हेल्दी फाइव में यूज़ करता हूँ, तो फिट माई फिटनेस पैल में भी ऐसे सेम सिस्टम है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मील है मेरा ये पोस्ट वर्कआउट, यहाँ पे 100 ग्राम्स पनीर और ये 150 ग्राम कर्ड, तो तुमको ऐप में जाना है, ऐप पे तुम्हें सर्च करना है कर्ड, फिर उसमें क्वांटिटी सिलेक्ट करके ग्राम्स में जाके 150 एंटर करना है, फिर पनीर ऐसे ही एग्जैक्टली पनीर में करोगे, और ये उसके साथ पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स हैं, घर पर ही मैंने रोस्ट किया था इसको, 42 ग्राम है, तो एग्जैक्ट वही अमाउंट डालोगे तो एग्जैक्ट कैलरीज, एग्जैक्ट मैक्रोस तुम्हारे पूरे मील के आ जाएंगे, तो इट मेक्स इट लॉट ईजियर टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है, कि तुम्हें कितना बर्न करना है या तुम्हें कितना और खाना है दिन में, ताकि तुम उसमें मेंटेन, अगर तुम मेंटेनेंस पर चल रहे हो तो मेंटेनेंस कैलरी कंज्यूम करो, अगर तुम बल्क भी हो तो 200 कैलरी उस पर प्लस करो, डेफिसिट में 200 माइनस करो। सिंपल फंडा है, तुमसे एक मतलब एकदम क्लियर हो जाता है इस टेक्निक को यूज़ करके कैलरी ट्रैकिंग से, और ये बहुत मतलब अगर तुम सच में थोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हो तो शुरू कर दो उसको, अपनी हैबिट बना दो। पहले भी मेरे को भी लगता था कि बहुत झंझट है करना, लेकिन मेरी जो मील्स होती है ना वो एग्जैक्टली सेम होती है, हर दिन वही सेम मील्स खाता हूँ मैं, तो मैं एक दिन पहले ही उसको पूरा ट्रैक करके रख देता हूँ कि मैं कल क्या खाने वाला हूँ क्या नहीं, और अगले दिन अगर बाई चांस कुछ चेंज होना करना होता तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो इससे अगर आप हैबिट बनाओगे अपनी कुछ अपने बॉडी के लिए अच्छा करने के लिए, तो डेफिनेटली वो दिखेगा आपको कि बॉडी में चेंज आता हुआ दिखेगा, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो इट हेल्प्स। चलो सो मैं फिनिश करता हूँ, आज का वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग कीप पुशिंग, बाय बाय।